विदिशा कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने आज विदिशा शहर में स्थित उपार्जन केंद्र मार्केटिंग सोसाइटी विदिशा में सोयाबीन उपार्जन के लिए निर्धारित मापदंडों का स्थलीय भ्रमण कर जायजा लिया और उपस्थित स्टाफ से भंडार किए जाने वाले अनाज के मापदंड मानक चेक किए। कलेक्टर ने सभी उपार्जन केंद्र के सोसाइटी प्रबंधकों को निर्देश दिए कि उपार्जन केंद्रों पर किसानों की सुविधा के अनुसार सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें, साथ ही फसल तोलते समय किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, नसीम खान, हिंदुस्तानी। किया जा रहा है सर, कहाँ कहाँ निरीक्षण किया जा रहा है? जैसा कि आपको विदित है, सोयाबीन खरीदी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हमारे ज़िले में कुल 50 खरीदी केंद्र अभी निर्धारित किए गए हैं और उन 50 खरीदी केंद्रों पर शासन के द्वारा जो भी निर्धारित मापदंड हैं उसके तहत सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। आज उन्हीं व्यवस्थाओं को चेक करने के लिए मैं आज यहाँ पे आया हूँ। रामलीला मैदान के पीछे जो MP वेयर हाउसिंग का ये गोडाउन है, वेयर हाउस है, और यहाँ पर खरीदी केंद्र तय किया गया है। अभी कुछ और तहसीलों में इसी तरीके से निरीक्षण किया जाएगा कि हमारी सारी व्यवस्थाएं पूरी हैं कि नहीं पूरी हैं, हर केंद्र पे मॉइस्चर मीटर है कि नहीं है, क्योंकि शासन के निर्धारित मापदंडों के अनुसार 12% मॉइस्चर ही मानक है। 12% ज़्यादा मॉइस्चर रहेगा तो वो FAQ में जो है स्वीकार्य नहीं होगा। इस कारण से ये सारी व्यवस्थाएँ हमारे खरीदी केंद्रों पर हैं कि नहीं है, किसान भाइयों को किसी भी तरह की दिक्कत खरीदी केंद्रों पर ना हो और किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो, उसके संबंध में निरीक्षण किया जाए।